प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि संदेश खाली का जो दरिंदा है यानी शेख जहां, वो पकड़ा गया और संदेश खाली की महिलाओं से मिलकर प्रधानमंत्री मोदी जी की भी आंखों में आंसू आ गए। तो इसी मुद्दे पे आप देखेंगे भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की सीनियर वकील दबंग नाजी अली खान जी का धमाकेदार इंटरव्यू। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। जो बशीरहाट की सांसद है, एक औरत जो बशीरहाट में 1.5 लाख से ऊपर वोट से जीत करके आई है, एक औरत जो अपनी प्रीवियस लाइफ में 2-2 बलात्कारियों की दोस्त और मंगेतर रह चुकी है और उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना करके पश्चिम बंगाल के मुसलमान भेजते हैं और उसको वोट भी देते हैं। क्यों भेजते हैं? क्योंकि अपने टिकटॉक के माध्यम से, छोटी छोटे कपड़े और चड्डियों के माध्यम से ये लुंगी वालों का लुंगी गर्म करती है, इसलिए इनको वोट 1.5 लाख से ऊपर मिल जाता है। और सबसे बड़ा काम तो ये कर रही है कि रोहिंग्या, बांग्लादेशी और पाकिस्तानी पिशावरी और सीरिया के लोगों को पश्चिम बंगाल में रहने के लिए और उनको उनको यहाँ पर परमिनेंट रखवाने के लिए पश्चिम बंगाल से हिंदू माँ बहनों को ही उजाड़ कर फेंकने का पूरा कारोबार तृणमूल कांग्रेस पार्टी आराम से कर रही है। और इस स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा किरदार नुसरत रूही जहान जैन है। अब मैं इनके बारे में आपको एक चीज और बता देती हूँ कि नुसरत रूही जहान जैन ईडी के रडार में बहुत पहले से, 2023 से इन्होंने तकरीबन 200 सीनियर सिटीजन से पैसे लिए हैं, घपला किया है अरबों रुपए कि इनको फ्लैट दे, सीनियर सिटीजन को फ्लैट देंगी और ये भागी भागी फिर रही है। जब संदेश खाली की माँ बहनें रो रही हैं अपने इंसाफ के लिए, अपने अपने जस्टिस के लिए, अपने सम्मान के लिए, तो ये समर का फोटो शूट कर रही है आधे नंगे कपड़े में, ये समर का फोटो शूट कर रही है। जब संदेश खाली की महिलाएं हाथ में डंडा और झाड़ू लेकर के घूम रही थी कि आर्या पार, अब शेख शाहजहां को अरेस्ट करना ही पड़ेगा, तो ये लव डे, टेडी डे, हग डे, चड्डी डे, मूड डे मना रही थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ जिसका बच्चा पैदा किया इन्होंने। अब मैं आपको ये भी बता देना चाहती हूँ कि इनसे हालिया में अभी 5-6 दिन पहले एक मीडिया वाले ने बाइट लिया कि आप बशीरहाट की सांसद हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, आप पार्लियामेंट तो नहीं जाती हैं, आपने बशीरहाट के लिए कुछ किया नहीं है, लेकिन आप ऐसे सिचुएशन पर क्यों नहीं जा रही हैं? तो ये लॉ मेकर, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये कह रही है ना, वहां तो 174 धारा लगा हुआ है ना, इनको ये भी नहीं पता कि 144 धारा किसको कहा जाता है और 174 धारा किसको कहा जाता है, आप सोचिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज मोदी जी ने अपना हाथ संदेश खाली की जिन बहनों पर रखा है, अब उनको इंसाफ जरूर मिलेगा। मैंने गुहार लगाई थी 5 दिन पहले दिल्ली में कि जिस तरह से कश्मीर की बेटियों को पंख दिया है मोदी जी ने, जिस तरह से कश्मीर की बेटियों को आसमान पे उड़ने का की दिशा दी है मोदी जी ने, जिस तरह से कश्मीर की बेटियां आज चीख चीख कर कह रही हैं कि ये जो कश्मीर है ना, ये और हम भारत की पुत्री हैं। आज कश्मीर की बेटियां लंदन अमेरिका में जाकर के कह रही हैं कि वो मलाला यूसुफजई नहीं है, उसी तरीके से पश्चिम बंगाल में की संदेश खाली की महिलाओं के सर पर जो आशीर्वाद आज आधे घंटे पहले जो हमारे भारत के मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने रखा है, मुझे पूरी उम्मीद है कि अब मेरे बंगाल की बेटियां भी अब और निर्भया बहुत ज्यादा दिन तक नहीं रहेंगी, हमें भी इंसाफ मिलेगा, हमें भी उड़ने की अनुमति मिलेगी, हमें भी दिशा मिलेगी कि हम आराम से आकाश पर उड़ सके। जी नाजिया, इन लेडीज को मिलने नहीं देने जा रहे थे, बिकॉज ये मैं नहीं कह रही हूँ, तो देखिए सामने न्यूज पोर्टल्स कह रहे हैं कि उनको जाकर वेस्ट बंगाल पुलिस डरा रही थी, धमका रही थी कि डोंट गो एंड मीट प्राइम मिनिस्टर मोदी, यूनिफॉर्म गूंस। पूरी क्या ये डायन है, पिसाचनी है, ताड़का है, क्या है ये? आई मीन पराकाष्ठा में पहुंच गई है। नहीं, देखिए आप अगर वेस्ट बंगाल में होती और जिस तरह से आप वोकल हैं, अब तक आप जेल की सलाखों में हैं और मेरे लिए भी पूरा कारोबार तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने बना दिया था,
पर मजबूर हो गई कि मुझे रख नहीं पाई हिरासत में, मजबूर हो गई क्योंकि उनके पास कोई सबूत ही नहीं था मुझे हैरेस करने के लिए, मुझे ह्यूमिलिएट करने के लिए। दो अच्छा, बहुत अच्छी चीज है जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मैं नासर खान के रेमिशन ग्राउंड को कैंसिल करने के लिए मैं सर्वोच्च न्यायपालिका तक जा रही हूँ, कलकत्ता हाईकोर्ट तक मैं पहुंच चुकी हूँ कि नासर खान का रेमिशन ग्राउंड कैंसिल हो जाए। तो अब आप सोचिए कि नासर खान क्योंकि मुसलमान मंत्री के गोद में बैठा रहता है और ममता बनर्जी का आशीर्वाद तो डे वन से है नासर खान के साथ, डे वन से है जब वो बलात्कार किया था। अब ये नासर खान ने क्या किया है कि अग्रवाल बोल करके कोई व्यक्ति है उसको मेरे पीछे लगाया है और वो मुझे डिफेम और मलाइन करने की कोशिश कर रहा है। अब देखिए स्ट्रैटेजी, अब ममता बनर्जी को समझ में आ रहा है कि हिंदुओं का इसको सपोर्ट है, ये सनातनियों को बहुत बहुत पसंद करती है, सनातन धर्म को बहुत अप्रिशिएट करती है, सनातन धर्म को बहुत मानती है। तो क्या किया है ममता बनर्जी ने नासर खान के साथ मिल करके, बलात्कारी के साथ मिल करके, कि इसने अग्रवाल बोल करके और प्रसाद बोल करके दो लड़कों को मेरे पीछे लगाया है कि इसको इतना ह्यूमिलिएट करो, इतना इसको डिफेम करो कि ये घर में बंद हो जाए अपना मुंह बंद करके। और वो दोनों बदजात हिंदू, वो दोनों, मैं क्या बोलू, मेरे मुंह से तो बहुत सारी गालियां निकल रही है कि कैसा हिंदू है चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाए जो ऐसे ऐसे जिहादी और ऐसे ऐसे बलात्कारियों के सपोर्ट में खड़ा हुआ है। मुझे लगता है ऐसे हिंदू को हिंदू रहने की जरूरत नहीं है, ऐसे लोगों को ममता बनर्जी के ऑफिस में जाकर के कलमा पढ़ लेने की जरूरत है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलल्लाह पढ़ ले ये अग्रवाल और प्रसाद, और पढ़ करके खतना करा ले, खतना कराने के बाद पैंट का जिप और पजामे का नाड़ा खोल करके खड़ा हो जाए और नासिर खान की तरह बलात्कार करना स्टार्ट कर दे, क्योंकि मुझे डिफेम करने से कुछ मिलने वाला ना ममता बनर्जी को है और ना ही मैं डरने वाली हूँ ये अग्रवाल और प्रसाद से। जी लास्ट क्वेश्चन नाजिया, एंड आई अंडरस्टैंड योर पेन, क्योंकि क्या होता है कि आप जब आपके पीछे लोग पड़ जाते हैं हाथ धोकर नहा धोकर, तो कहीं ना कहीं एक हताशा होती है कि भाई मैं तो अच्छा काम कर रही हूँ मेरे पीछे क्यों। पर एक बात याद रखिए कि जब आपके पीछे लोग पड़े हो इसका मतलब आप अच्छा काम कर रहे हो, जब गलत लोग आपके पीछे पड़े हो इसका मतलब कि आप अच्छा काम कर रहे हो, क्योंकि उन गलत लोगों को मिर्ची लगनी शुरू हो गई है। आखिरी क्वेश्चन पे, सुप्रीम कोर्ट ने जो ये आज किया, जो ये जजमेंट दी, मतलब जो अभिषेक मनु सिंघवी जो कि राक्षसों के वो हैं, क्या बोलती हूँ, एडवोकेट हैं, डेविल्स एडवोकेट नहीं बोलूंगी, राक्षसों के एडवोकेट हैं, जब कुछ गलत होता है तो उनके बिहाफ पर पहुंच जाते हैं, पता नहीं इन लोगों को इनको जानू में भी जगह नहीं मिलेगी इन लोगों को एक्चुअली, क्योंकि वहां पर भी इनको, उनको भी लगेगा यमराज को कि भैया इनको जगह दे दी तो मतलब ये तो क्या बोलते हैं खत्म कर देंगे, यहाँ का भी लॉ एंड ऑर्डर खत्म कर देंगे। I think what happened today in Supreme Court is a beginning of end of Mamata Banerjee. इनकी बर्बादी की शुरुआत right from Supreme Court शुरू हुआ है। जी। नहीं, संदेश खाली violence पर West Bengal ने definitely अभिषेक मनु सिंघवी को appoint किया और immediate एकदम आधे घंटे में सारी drafting भी हो गई। हालांकि Supreme Court ने साफ कह दिया है कि कोई urgency नहीं है जो listing में upper listing लेकर के आया जाए। और क्योंकि हम सबको पता है कि पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कह दी थी कि इसमें कलकत्ता हाई कोर्ट बहुत अप्रोप्रिएट एक्शन ले सकता है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन और इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने बजाबते इस बात को कहा था कि कलकत्ता हाई कोर्ट इस बात पर जो निर्णय ले रहा है उनको लेने दिया जाए। मेरे पास आज का भी है सुप्रीम कोर्ट का जो पिटिशन हुआ है उसका आज का भी रिपोर्ट है। और जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कलकत्ता हाई कोर्ट ही इस बात पर निर्णय लेगा और कलकत्ता हाई कोर्ट के मामले पे सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा, उसका भी मेरे पास ये है, उस दिन का भी है। तो दोनों मैं ऑर्डर लेकर के बैठी हुई हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्ट्रिक्ट और बहुत जबरदस्त और बहुत ऐतिहासिक स्टेप लिया है। और थैंक गॉड कि हमें दोबारा निर्भया वाला सिनेरियो सुप्रीम कोर्ट के अंदर देखने को नहीं मिला, नहीं तो हम टूट जाते, हम खत्म हो जाते। शायद संदेश खाली की महिलाएं जो है ना वो सुसाइड करना स्टार्ट कर देती अगर सुप्रीम कोर्ट इस मैटर को अपर लिस्टेड ले आती और सुनना स्टार्ट कर देती। पर थैंक गॉड, मैं भगवान की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, साथ साथ ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस मामले को बिल्कुल भी लिस्टेड नहीं किया और रजिस्ट्रार ने साफ लफ्जों में कह दिया है कि सीजीआई का नोटिस है कि इसमें कोई इमरजेंसी नहीं है
और हाईकोर्ट ही इस मैटर को देख रहा है अब तक। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाजिया अली खान जी का दमदार और बेबाक अंदाज आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहां पे नाजिया खान जी ने ममता बनर्जी के गुंडों की पूरी तरह से पोल खोल के रख दी और टीएमसी के जो गुंडे हैं उनके कारनामों से पर्दा भी उठाया। तो आशा करता हूं वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। और ये वीडियो का सेकंड पार्ट था, फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी चैनल पे डाल चुके हैं जिसपे आपने बहुत सारा प्यार भेजा था, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके उसे भी जरूर देखें, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसे किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। पर एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए इंपॉर्टेंट लेटेस्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।